मेन खबर पर आने से पहले मैं आपको जरा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर बता देता हूँ, क्योंकि पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 14 अक्टूबर को हफ्ता खत्म हुआ है उसमें भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 4.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 4.5 बिलियन डॉलर्स नीचे गिरे हैं। गिरावट के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब पहुंच गए हैं 528 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। पिछले साल 3 सितंबर को फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भारत ने 642 बिलियन डॉलर्स का हाईएस्ट आंकड़ा टच किया था और इस समय हम उस फिगर से 114 बिलियन डॉलर्स नीचे गिर गए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध और लगातार मजबूत हो रहे यूएस डॉलर, ये दो मेन वजह बताई जा रही हैं जिनकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार इतनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1000 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स का टारगेट रखा है। मेन खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है ग्रीस से संबंधित। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ग्रीस टर्की का पड़ोसी देश है और उसने टर्की के साथ कई सारी जंगें लड़ी हैं। दोनों देश नाटो के सदस्य देश हैं, लेकिन टर्की के साथ ग्रीस के कोस्टल एरियाज के पास कई सारे आइलैंड्स यानी छोटे छोटे टापुओं और मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्री सीमा को लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ग्रीस के पास एक रिक्वेस्ट लेकर गया था जिसको ग्रीस ने सीधा से रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने वैसे तो चाइना से कई सारे फाइटर जेट्स परचेज किए हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट का जो सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स काफी हद तक रिलाई करती है, वह लॉकेट मार्टिन का F-16 फाइटर जेट। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स की जो फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ भेजी थी उसमें उनका F-16 सबको लीड कर रहा था। भारत ने फ्रांस से 36 रफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे जिसके चलते पाकिस्तान उसके बाद से लगातार कोशिश कर रहा था कि एक तो अमेरिका उसके F-16 की एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड कर दे और दूसरा तो दुनिया का अगर कोई भी देश अपने F-16 फाइटर जेट्स को रिटायर कर रहा हो तो पाकिस्तान उनसे वो सेकंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स परचेज कर ले। पाकिस्तान की पहली ख्वाहिश तो अमेरिका ने पूरी कर दी थी, लेकिन दूसरी डिमांड लेकर पाकिस्तान गया था ग्रीस के पास। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक ग्रीस ने पाकिस्तान की F-16 की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल ग्रीस ने अमेरिका से आज तक पिछले 30 से 40 सालों तक 170 के करीब F-16 फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं, जिनमें से कुछ आउट ऑफ सर्विस हैं, जबकि बाकी 83 F-16 को ग्रीस अपग्रेड करवाकर लेटेस्ट स्टैंडर्ड के ब्लॉक 72 के बराबर बनवा रहा है। ये डील 1.5 बिलियन डॉलर्स की थी और अपग्रेडेड F-16 की डिलीवरी पिछले महीने ग्रीस को शुरू हो गई है। अब हुआ क्या कि ग्रीस ने अपने सभी F-16 को अपग्रेड नहीं करवाया था, उसके पास अभी भी एक अनस्पेसिफाइड नंबर में F-16 फाइटर जेट्स पड़े हुए हैं जो बहुत ही पुराने हैं और ग्रीस उनको रिटायर करने के बारे में सोच रहा है। जैसे ही पाकिस्तान को इसकी खबर मिली, पाकिस्तान चले गया ग्रीस के पास और उसने ग्रीस से रिक्वेस्ट की कि जो उसके पुराने F-16 फाइटर जेट्स हैं वो ग्रीस पाकिस्तान को बेच दे। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अमेरिका की मदद से ग्रीस से लेकर उनको अपग्रेड करके और 10 से 15 साल के लिए ऑपरेट करेगा, लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ग्रीस ने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट सिरे से रिजेक्ट कर दी है। ग्रीस नहीं चाहता है कि कुछ मिलियन डॉलर्स के लिए भारत के साथ जो ग्रीस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं उसका मोमेंटम खराब हो। उल्टा ग्रीस तो सामने से भारत के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। ऐसे में अगर वो पाकिस्तान को अपने पुराने F-16 फाइटर जेट्स बेचेगा तो इससे भारत नाराज हो सकता है। इस वजह से ग्रीस ने पाकिस्तान की ये डिमांड सिरे से रिजेक्ट कर दी है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि F-16 की तरह ग्रीस फ्रांस से परचेज किए गए 42 मिराज 2000 फाइटर जेट्स भी ऑपरेट करता है। इन 42 में से 18 मिराज 2000 फाइटर जेट्स साल 2027 में रिटायर किए जाने हैं, जिनको रिप्लेस करने के लिए ग्रीस ने पहले ही फ्रांस से रफेल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं। माना जा रहा है कि भारत ग्रीस से वो 18 सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करने के लिए कह सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ग्रीस से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।